नमस्कार, मैं दुर्गेंद्र चौहान। जीएसटी की 50वीं जीएसटी काउंसिल की जो 50वीं बैठक में आज विपक्षी दलों ने जबरदस्त विरोध जताया और हंगामा किया, और उनका एतराज एक ऐसे मामले को लेकर था जिसके तहत इस देश के तकरीबन 1,38,00,000 व्यापारी आ जाएंगे। दरअसल मसला ये है कि जीएसटी काउंसिल में जो लोग एतराज जता रहे थे उसमें कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी और अन्य भी जो दलों के लोग उसमें शामिल हैं, काउंसिल के सदस्य हैं, उन लोगों ने इस बात को लेकर आपत्ति जताई कि बीती 7 जुलाई को वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन जारी करके जीएसटी को PMLA एक्ट में लाने का फैसला कर दिया है। इस एक्ट के तहत अब किसी भी व्यापारी को ईडी यानी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, प्रवर्तन निदेशालय, कभी भी गिरफ्तार कर सकता है। अगर वो व्यापारी टैक्स नहीं चुका पाता है तो भी उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। इस तरीके के कई घातक और खतरनाक प्रावधान किए गए हैं। इसको लेकर विपक्षी दलों ने इसे काला कानून बताया है और एक तरीके से इसका विरोध शुरू हो गया है। विरोध के मुद्दे यही नहीं है, वो कह रहे हैं कि भाई इसको मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लाने का औचित्य क्या है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके केंद्र सरकार से जीएसटी को भी PMLA एक्ट के तहत ईडी के अधीन करने पर आपत्ति जताई और कहा कि अब अगर कोई व्यापारी जीएसटी नहीं देता है तो उसे ईडी, ये नाम बहुत चर्चित है आजकल, वो सीधे मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत गिरफ्तार करेगी, उसे बेल भी नहीं मिलेगी, सीधे जेल जाना होगा। केजरीवाल ने कहा कि जो व्यापारी पूरा जीएसटी दे रहे हैं उन्हें भी किसी न किसी प्रावधान में फंसा कर जेल में डाला जा सकता है अगर सरकार उनका उत्पीड़न करना चाहे। यानी देश के किसी भी व्यापारी को केंद्र सरकार जब चाहे जेल भेज देगी और उसकी सुनवाई भी नहीं होगी। केजरीवाल ने इसे खतरनाक बताते हुए कहा कि छोटे व्यापारी भी इसकी चपेट में आ जाएंगे। सरकार की इस फैसले को फौरन वापस लेने को केजरीवाल ने कहा है। कांग्रेस पार्टी ने भी इस पर तीखा हमला किया है। मीडिया सेल के प्रभारी, पब्लिसिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन और प्रवक्ता पवन खेड़ा ने भी जीएसटी काउंसिल की बैठक के दौरान ये ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि इस कानून के होने से ईडी को किसी व्यापारी को गिरफ्तार करने का अधिकार मिल जाएगा। कांग्रेस पार्टी जीएसटी के सरलीकरण की वकालत की करती आ रही है, यूं कहें कि सिंप्लीफाई करने के लिए लगातार वो मेमोरेंडम देती रही है। पवन खेड़ा ने कहा कि मोदी सरकार के इस तुगलकी फरमान ने देश के करोड़ों व्यापारियों को परेशानी में डाल दिया है। कांग्रेस इस तानाशाही का डटकर विरोध करती है और करती रहेगी। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि ये नोटिफिकेशन 7 जुलाई को जारी हुआ था और अब इसके धीरे धीरे जो परिणाम हैं वो करीब करीब आने लगेंगे, सीधे तमाम व्यापारी इसके शिकंजे में आ जाएंगे और सीधे तौर पर 1,38,00,000 व्यापारी जो भारत में हैं वो शिकंजे में आ जाएंगे। तो ये आज हमारा बहुत सारे लोग, देश का जो नेशनल मीडिया है और बहुत सारे लोग अलग अलग मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं, सबके अपने अपने अलग मायने हो सकते हैं। ब्रजभूषण शरण का एक मुद्दा बड़ा महत्वपूर्ण था, मैं भी उस मुद्दे पर आज रहना चाहता था लेकिन मुझे लगा कि व्यापारियों की बात कोई नहीं कर रहा। सुबह से शाम तक मैं देखता रहा, कहीं भी मुझे ये खबर दिखाई नहीं पड़ी। और ये वही व्यापारी हैं, ये वही व्यापारी नेता हैं, जब बीजेपी की सरकार नहीं होती थी तो ये लोग सड़क पर आकर इस तरह के कानूनों का विरोध किया करते थे। मुझे अच्छी तरह याद है कि भाजपा के कई सांसद, विधायक जो व्यापारी नेता भी थे वो ईंट से ईंट बजा दिया करते थे, लेकिन पता नहीं उनकी ईंटें कहाँ चली गईं और उनकी आवाज़ कहाँ गुम हो गई। तो मंथन में आज यही कि क्या ईडी के दायरे में जीएसटी को लाना ये काला कानून है क्या?
आम आदमी पार्टी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा के सांसद सुनील गुप्ता का एक बयान, इसको लेकर जीएसटी काउंसिल की बैठक के दौरान आया, उसे सुनेंगे। कई और विपक्षी नेताओं की प्रतिक्रिया, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी का एक बयान है वो सुनेंगे। कांग्रेस पार्टी ने भी इस पर प्रतिरोध जताया है, उनको सुनेंगे। उसके बाद फिर कुछ प्रतिक्रियाएं हमने देश भर से मंगाई हैं व्यापारियों की, वो क्या सोच रहे हैं इस कानून को लेकर, इस व्यवस्था को लेकर, ये हम आपको सुनाते हैं। सभी व्यापारी भाइयों का नमस्कार। भारत सरकार, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आज फिर एक काला कानून लेके आ गए। जीएसटी कानून में ईडी को शामिल कर रहे हैं। हम सब छोटे छोटे दुकानदार जो टैक्स भरते हैं, जीएसटी देते हैं, कई बार अनजाने में गलतियां हो जाती हैं, हो सकता है कुछ परसेंटेज जानबूझ के भी गलती करते हैं। अब जो भी ईडी को जीएसटी में जुड़ने के बाद भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बोलेगा, वहीं पे ईडी के कानून के तहत उसको अंदर कर दिया जाएगा और जमानत भी। क्या डर के ही जीना हिंदुस्तान की वास्तविकता रह गई है? हम सबको मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। किसी भी तरीके से व्यापारी को इतना प्रताड़ित नहीं होना चाहिए। मैं आपसे अपील करता हूं, हम इस कानून के खिलाफ आवाज उठाएं जो आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार जीएसटी काउंसिल में लेकर आना चाहती है। मेरे सभी नेताओं से भी अपील है कि इस कानून का पुरजोर विरोध करें। जय हिंद। जीएसटी को पीएमएलए एक्ट में शामिल किया गया है जो कि कतई उचित नहीं है। देश का व्यापारी लगातार जीएसटी को बढ़ाकर दे रहा है, हर क्वार्टर में लगातार जीएसटी बढ़ रही है। ऐसे में जीएसटी देने वाले व्यापारियों को ईडी की कार्रवाई में लाना ये कतई न्यायसंगत नहीं है। इससे व्यापारियों के शोषण का रास्ता खुलेगा, व्यापारियों के उत्पीड़न का रास्ता खुलेगा। उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल इस नियम को कतई मानने को तैयार नहीं है। यदि यह नियम वापस नहीं लिया गया तो उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल सड़कों पर आके संघर्ष करेगा, लेकिन इस नियम को स्वीकार नहीं करेगा। देश की अर्थव्यवस्था को चलाने में सबसे बड़ा सहायक व्यापारी समाज, उसको भी अगर ईडी में लाएंगे तो निश्चित रूप से और वास्तव में ये देश के व्यापारियों के लिए बहुत चिंता का विषय है और सरकार के लिए बहुत शर्म का विषय है। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा, कई राज्यों ने जिसमें दिल्ली भी शामिल है, पंजाब भी शामिल है, पश्चिम बंगाल भी शामिल है, एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा कई सारे फाइनेंस मिनिस्टर्स ने उठाया कि क्यों जीएसटी को पीएमएलए यानी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लाया गया है। 7 जुलाई को एक नोटिफिकेशन इशू होता है जिससे पूरे जीएसटी के नेटवर्क को, जीएसटीएन को, पूरी जीएसटी की व्यवस्था को प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत लेके आया जाता है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो लोग भी जीएसटी भरते हैं, चाहे आपका छोटा सा छोटा बिजनेस हो या बड़े से बड़ा कंपनी आप चलाते हैं, अब आपको पीएमएलए के तहत ईडी प्रोसिक्यूट कर सकती है। इसका क्या मतलब है कि अगर किसी मजबूरी वश कोई ऐसे व्यापारी हैं जो अगर जीएसटी नहीं भर रहे हैं, अब सिर्फ जीएसटी उन पे केस नहीं करेगी, ईडी उन पे केस कर सकती है। और हम सब ने देखा है कि किस तरह से ईडी को इस्तेमाल किया जाता है लोगों को परेशान करने के लिए, अरेस्ट करने के लिए, महीनों तक बेल ना देने के लिए। तो अब देश के करोड़ों व्यापारियों पर क्या ईडी के केस चलेंगे? जो व्यापारी हैं, जो व्यापारी हैं, जो बिजनेसेस हैं, जो व्यापारी हैं और जो बिजनेसेस हैं, क्या वो इकोनॉमी को बढ़ाएंगे या क्या वो अब अपने आप को ईडी के प्रोसिक्यूशन से, पीएमएलए में प्रोसिक्यूशन से बचाएंगे? हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। क्योंकि व्यापार हम करते हैं 90 से, तो व्यापार हम कर रहे हैं, हमारा कारोबार अच्छा है और हम जो राजनीति और व्यापार दोनों से जुड़े हुए हैं। जीएसटी से देखिए, सरकार ने जो जीएसटी लाई है उससे व्यापारियों को देखिए फ़ायदा भी हुआ है, नुकसान भी हुआ है, लेकिन जीएसटी के आने के बाद क्लियरिटी आ गई है। इसमें बेईमान व्यापारियों के लिए दिक्कत है, लेकिन जो ईमानदारी से काम कर रहा है उसको जीएसटी में कोई दिक्कत नहीं है और उसमें कोई परेशानी नहीं है। जीएसटी लागू होने के बाद हमें सुविधा कहाँ मिल पा रही है?
जबकि उस समय कहा ये गया था कि जीएसटी लागू होने के बाद वन नेशन वन टैक्स की बात होगी। वन नेशन वन टैक्स का मतलब हुआ जो हम एक जगह जो भी टैक्स देना है हम एक जगह टैक्स दे दें और फ्री हो जाएं। वैल्यू एडेड टैक्स, पहले वैट लगता था तो जिसको वैल्यू एडेड टैक्स कहते हैं, सेम उसी का रूपांतरण करके ये जीएसटी का रूप चल रहा है और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है। हर महीने 10 तारीख को रिटर्न देना एक व्यापारी के लिए, 20 तारीख को अलग रिटर्न देना, ये सब क्या कर रही है सरकार? आज तक छोटा और मझौला व्यापारी इस जीएसटी के मकड़े जाल में फंस करके अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है, व्यापार कम और सरकार के कागज़ की खानापूर्ति ज़्यादा कर रहा है। जीएसटी के विषय में हमको तो एक ही बात कहनी है कि जीएसटी आने के बाद व्यापार और सरल हुआ है, व्यापारियों को बहुत उससे लाभ मिला है, व्यापार इससे कम से कम 100 गुना गति से और आगे बढ़ रहा है। जीएसटी से किसी व्यापारी को कोई नुकसान नहीं। जिनको किसी इस प्रकार की गलतफहमियां रहती हैं कि जीएसटी में थोड़ा सा कठिनाई है, तो ज़माना आगे की ओर जा रहा है। हर समय उन्नति के लिए आदमी को सोशल मीडिया की ज़रूरत पड़ती है, नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है, हर चीज़ में एक आगे की ओर बढ़ करके काम करना पड़ता है। तो जीएसटी विभाग का काम करने के लिए लोग जो कठिनाई दिखाते हैं कि जीएसटी में हमको थोड़ा व्यवसाय करने में कठिनाइयाँ आ रही हैं, तो जीएसटी तो हम दे रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं तो जीएसटी दे रहे, पर जीएसटी मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं। मुझे लगता है अभी लोग समझ नहीं पाए कि हुआ क्या है। इसमें ज़्यादातर लोग अभी जीएसटी की बात कर रहे हैं, जीएसटी पर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। अब मुझे लगता है कि हमारे लोग भी, हमारे जो पत्रकार साथी हैं, वो भी सवाल पूछ नहीं पाए या उनको जानकारी दे नहीं पाए कि हो क्या गया है। जीएसटी पर जब इतनी दिक्कतें हैं लोगों को, तो फिर ईडी के दायरे में, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के दायरे में जीएसटी को लाने के बाद क्या स्थिति होगी? सीधे जीएसटी ना भरने पर सीधे व्यापारी को ईडी गिरफ्तार कर सकती है, उसकी जमानत नहीं होगी, सीधे जेल है, नो बेल। कुल मिलाकर ये बड़ा अहम मसला है। और मुझे अच्छी तरह याद है 90 के दशक में जब व्यापारियों को लेकर तमाम आंदोलन 80 और 90 के दशक में होते थे, उन आंदोलनों को मैंने खुद ज़मीन पर जाकर कवर किया है। भारतीय जनता पार्टी के, मुझे लगता है सारी भारतीय जनता पार्टी, खुदरा व्यापार में FDI को लेकर मैंने सालों आंदोलन कवर किए हैं। BJP ने आंदोलन किए हैं, उनके समर्थित व्यापार मंडलों ने आंदोलन किए हैं। और खुदरा में FDI कौन लाया, किसकी सरकार में आई, अच्छी तरह पता है सबको। अब लगातार व्यापारियों पर शिकंजा कस रहा, जैसे किसानों को लेकर जो कानून 3 आए, फिर उन्हें वापस लेना पड़ा। विपक्ष कह रहा है कि उसी तरीके का ये काला कानून है, व्यापारियों की गर्दन भी दबोचने के लिए ईडी के का शिकंजा कसा गया है। और बाकायदे इसमें एक प्लैंड वे में ये काम करा जा रहा है, ताकि बहुत सारे व्यापारी जो विचारधारा को कैटर नहीं करेंगे, सरकार या सरकार के जो लोग हैं उनके मुताबिक अगर उनकी विचारधारा नहीं होगी, तो फिर वास्तव में उन व्यापारियों के खिलाफ भी ये हथियार इस्तेमाल कर सकता है, सरकार कर सकती है, ऐसा विपक्ष का आरोप है। खैर ये बात अलग है। ईडी को लेकर वैसे भी बहुत विपक्ष बड़ा असहज है। प्रधानमंत्री लगातार कह रहे हैं कि भ्रष्टाचारी और चोरों के खिलाफ हम कार्रवाई जारी रखेंगे, लेकिन ये नोटिफिकेशन आना और आज GST काउंसिल की बैठक में विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों ने इसका विरोध किया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और मंथन में हम ये सवाल लेकर आए हैं। हमारे साथ अभी फिलहाल कुछ मेहमान जुड़ गए हैं। सैयद मोहम्मद तकी, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता, लखनऊ से जुड़े हैं। तकी भाई, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद। और उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के अध्यक्ष और बहुत ही जुझारू व्यापारी नेता संजय गुप्ता भी हमारे साथ लखनऊ से जुड़े हैं। संजय जी, बहुत स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका। मैं आज देख रहा था कि व्यापारियों के की जो एक तरीके से इसको कहा जाए व्यापारियों के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली ये खबर, मुझे नहीं लगता कहीं मुख्यधारा के किसी TV चैनल में ये दिखी हो। मैंने नहीं देखी, आप लोगों ने देखी हो तो आपको साधुवाद। संजय गुप्ता के पास मैं सीधे जाऊंगा एक व्यापारी नेता के रूप में। अभी हालांकि उनकी प्रतिक्रिया हमारे दर्शकों ने सुनी, लेकिन अब हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। संजय गुप्ता, ये नया सिस्टम बनाने से एक तरीके से प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट PMLA के तहत GST को लाने का मकसद क्या है, इससे क्या लाभ होगा,
क्या ऐसा नहीं लगता कि व्यापारी को ये सरकार चोर डकैत लुटेरा समझ रही है? देखिए, इसको हम लोगों ने कई तरीके से देखा। सबसे पहले तो व्यापारी को ईडी के संपर्क में लाना कतई उचित नहीं, क्योंकि व्यापारी ऑलरेडी इतनी मुसीबतों में है और इतने लोगों के उत्पीड़न का शिकार होता है, तो एक नया मार्ग उसके लिए और प्रशस्त कर देना ये कतई उचित नहीं है। निश्चित रूप से अभी आपने देखा पिछले कुछ माह पहले इनके जीएसटी के छापे शुरू हुए थे। शायद दिल्ली में जीएसटी के पास विभाग के पास कुछ डाटा थे, इनको इनके पास कुछ इनपुट मिले थे कि कुछ कंपनियां बोगस रूप से काम करके इनपुट का काम कर रही, इनपुट क्रेडिट ले रही और कंपनियां कागज में चल रही हैं, तो इस वजह से वो छापे पड़ना शुरू हो गए थे। हाँ, गांवों में कस्बों में छापे पड़े थे, लोग दुकानें बंद करके भागे थे। संजय जी, तो जब उसमें हम लोगों ने विरोध किया, मैं खुद माननीय राजनाथ सिंह से मिला था, माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम तमाम लोगों से मिला था, तो उसमें बाद ये हुआ कि वो छापे बंद हो गए। तो मुझको लगता है कि इसके दो तीन तरीके से इसको देखना चाहिए। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से व्यापारियों को किसी भी तरीके से ईडी के संपर्क में आने का विरोध करता हूं, क्योंकि ये गलत तरीका है। इनके पास अगर कोई व्यापारी के नाम पे छदम वेश बना करके टैक्स चोरी का काम कर रहा है या इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का काम कर रहा है तो वो अपराधी है, उसका हम लोग समर्थन नहीं करते, लेकिन उसको पकड़ने के और कोई तरीके हैं। मान लीजिए करोड़ों व्यापारी आपके पास रजिस्टर्ड हैं, उसमें कोई 150 लोग अगर गड़बड़ कर रहे हैं तो उनके लिए सबको जो है आप गड़बड़ वैसे मुसीबत में नहीं डाल सकते। जबकि इस समय की स्थिति यह है कि आप देखेंगे मई 2023 में 1.57 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ है, अप्रैल में 1.87 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ जो कि अब तक का सबसे ज्यादा कलेक्शन था, यानी कि केंद्र सरकार का, प्रदेश सरकार का, सभी का जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है। तो जब जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है तो व्यापारियों पर शिकंजा क्यों बढ़ाया जा रहा है, ये बात समझते निश्चित रूप से बाहर है। वो कह रहे हैं और चूस लो, और निकालो, अभी है रस, तो सोच रहे कि थोड़ा और तेल निकालो। ये बात बिल्कुल समझ से बाहर है। लगातार जबकि कोविड के बाद व्यापारी अपनी पूरी ताकत के साथ, पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं और सीमित संसाधनों में काम कर रहे हैं, जबकि एक तरफ सरकार ने हमको विदेशी ई कॉमर्स कंपनियों के मकरजाल में उछाल दिया है, लेकिन उसके बावजूद हम लोग पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं और सरकार के खजाने को भरने का काम कर रहे हैं। अगर पिछले बार का अब 12% की ग्रोथ है, अब ईयर टू ईयर आप देखेंगे तो प्रति साल जो है 12% की ग्रोथ जीएसटी में आ रही है। 14 महीने में 1.4 लाख करोड़ से ऊपर आपकी जीएसटी जा रही है। तो ऐसे में सरकार के पास सभी डाटा रहते हैं, तो जो व्यापारी वास्तव में टैक्स चोरी का काम कर रहे हैं उनके ऊपर कार्रवाई की जाए, उनको पकड़ने के चक्कर में करोड़ों व्यापारियों को संकट में डालना यह कतई उचित नहीं है। यदि ये नहीं रुका तो हम लोग सड़कों पे आके आंदोलन करेंगे। जो आप बात अभी कर रहे हैं 90 के दशक वाली, वो हम लोग फिर से मजबूरी में सड़कों पे उतरेंगे और इस कानून को हम लोग किसी भी तरीके से स्वीकार नहीं करेंगे। सैयद मोहम्मद तकी साहब, आपके पास आ रहा हूं। आपकी पार्टी ने देश में सर्वाधिक पुरजोर तरीके से इसका विरोध किया है। वो कह रहे हैं कि भाई व्यापारी को जैसे अब ये सरकार चाहेगी वैसे उसका गला दबावेगी। अगर वो उसके, यहाँ तक कि आपकी पार्टी के तमाम नेताओं से मेरी बात भी हुई तो वो कह रहे हैं कि भाई अब वही स्थिति होगी जैसे पूरे देश में पॉलिटिकल इस्तेमाल हो रहा है ईडी का, उसी तरीके से व्यापारियों पर भी एक, जैसे अभी नेताओं की गर्दन दबाई जा रही है उसी तरीके से अब व्यापारियों में भी अभी ये एक चीज़ देखने को मिल रही है कि व्यापारियों को भी एक तरीके से ईडी के दायरे में लेकर उनको भी सचेत करने की ज़रूरत है कि ज़्यादा इधर उधर चंदा उंदा देने की ज़रूरत नहीं है, दूसरे दलों को ध्यान रखना। सैयद तकी, दुर्गेन जी देखिए, बड़ी दुर्भाग्य की बात है, बड़ा अफसोस होता हुआ है देखते हुए कि भारतीय जनता पार्टी जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करती थी और कहती थी व्यापारियों के लिए बिजनेस करना आसान कर देंगे, और जो कहती थी मेक इन इंडिया की बात करती थी, वन नेशन वन टैक्स की बात करती थी, सिंगल विंडो पेमेंट की बात करती थी, वो अपने सारे दावों पर भारतीय जनता पार्टी दिन प्रतिदिन विफल होती नजर आ रही है। व्यापारियों को बिजनेस करना बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। हर चीज आप व्यापारियों को महंगी दे रहे हैं, बिजली महंगी दे रहे हैं, आप टैक्स ज्यादा दे रहे हैं, अगर वो बिल्डिंग कमर्शियल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसका टैक्स ज्यादा वसूल कर रहे हैं। कितनी तरह से व्यापारियों को कहाँ कहाँ लूटेंगे, और यही व्यापारी सबसे ज्यादा मुझे अफसोस होता कहते यही व्यापारी से ज्यादा बीजेपी को चंदा भी देता है। यही व्यापारी नोट और वोट, राजनीतिक दलों को व्यापारी ही नोट और वोट दोनों देता है, सारे राजनीतिक दलों उसी, को। उसी व्यापारी का दोहन हो रहा। यही बीजेपी जो मेक इन इंडिया की बात करती है, कहती थी हम
फॉरेन से इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे, देश को आगे ग्रो करेंगे, जीडीपी आगे बढ़ाएंगे, तो ऐसे जीडीपी कैसे बढ़ेगी जब आप व्यापारियों का मनोबल तोड़ रहे हैं लगातार मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए आप उसके ऊपर केस करेंगे। तो बीजेपी मेरे ख्याल नहीं चाहती, जो इनके दोस्त बंधु हैं, जो इनके बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, जो बड़े बड़े बिजनेस हाउसेज हैं, अदानी अंबानी जिनका बड़ा बड़ा नाम है, जिनका कई सौ करोड़ से ऊपर टर्नओवर है, बीजेपी के लिए हेल्पफुल है। उनके अलावा कोई छोटा व्यापारी या जो 5-6 करोड़ का बिजनेस करता है या 10 करोड़ का, वो बिजनेस कर पाए? ये इनकी एक साजिश है कि छोटे व्यापारियों को खत्म करके अपने व्यापारियों को बड़ा करना चाहते हैं, जैसे नोटबंदी में किया, जीएसटी में वही किया। नोटबंदी में क्या हुआ? नोटबंदी में सबसे ज्यादा नुकसान स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को हुआ, जिनको कैश की जरूरत थी उनको परेशान हो गए। उससे फायदा किसको हुआ? बड़ी बड़ी कंपनी अमेजन को फायदा हुआ, या मल्टीनेशनल कंपनीज को फायदा हुआ, या अपने देश की बड़ी कंपनी को फायदा हुआ? जीएसटी में किसको फायदा हो रहा है? जीएसटी में जो बड़ी कंपनीज है, जो सीए अफोर्ड कर सकती है, अकाउंटेंट अफोर्ड कर सकती है, उनको फायदा हो रहा है। लेकिन जो छोटा व्यापारी बेचारा, जो छोटी पूंजी लगा के 5-6 लाख रुपए लगा के 10 लाख रुपए का बिजनेस करता है, वो कितनी बार जो है जीएसटी ऑफिस में चक्कर लगाएगा, कितनी बार टैक्स जमा करेगा, उसके बाद भी उसको अंदर कोई गलती निकल आती है, उसको पैसा देना पड़ता है। तो ये व्यापारियों का दोहन है, व्यापारियों के साथ को परेशान किया जा रहा है, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, और आम आदमी पार्टी इसका पुरजोर विरोध करती है, दिल्ली में भी, पंजाब में भी, और सारी बच्ची पार्टियां जहां जहां पे सरकार में है वो इसका पुरजोर विरोध करती हैं। जीएसटी मीटिंग में हमने कहा, आगे भी कहेंगे, व्यापारी को जो है पूरी सुविधा देनी चाहिए। व्यापारी बेचारा देश को पैसा देता है, जो देश को पैसा देने वाला इंजन है वो व्यापार है, कहां से पैसा आ रहा है? अभी आप कह रहे हैं कि जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, अभी हमारे ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने कहा कि हमने जो है टोल टैक्स कलेक्शन बढ़ा दिया, तो टोल टैक्स कलेक्शन कैसे बढ़ा? जो लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन के लिए निकलते हैं उन्हीं से टोल टैक्स बढ़ता है, ट्रक चलते ट्रांसपोर्ट उसी से टोल टैक्स बढ़ता है। आपके रेलवे को ज्यादा यूज कौन करते हैं? जो लोग घर से बाहर बिजनेस से निकलते हैं, बिजनेस हाउसेस करते हैं, तो हर तरह से पैसा जो बिजनेस से आता है, लेकिन सरकार बिजनेस को फैसिलिटेट करने के बजाय उसको महंगा कर रही। बिजली आपको महंगी मिलेगी, अगर आप कमर्शियल कनेक्शन है तो बिजली महंगी है, अगर आप बिल्डिंग को कमर्शियली यूज कर रहे हैं तो टैक्स ज्यादा है। अब यहाँ पे जो है आप जीएसटी दे रहे हैं उसके लिए प्लान किया जा रहा है, अब आपको ईडी के लिए, अभी ये बताइए कौन सा साउथ जो है बाहर से पैसा लेके आएगा? जहां 20,000 करोड़ रुपए आया अदानी के जरिए बाहर से पैसा आया, उसकी बात नहीं कर रहे कि उसके ऊपर कहा था कमेटी बैठाई जाए, सब बात हुई थी उस पर बात करने को तैयार नहीं है। लेकिन छोटे व्यापारियों को ये खत्म करने की साजिश है ताकि बड़े व्यापारियों को और फायदा पहुंचाया जा सके। ठीक बात है सैयद मोहम्मद तकी, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ आर्थिक विश्लेषक प्रीति जी जुड़ गई हैं। प्रीति मिश्रा जी, आपका स्वागत, बहुत धन्यवाद, बहुत आभार आपका के न्यूज़ को वक्त देने के लिए। प्रीति जी, एक नोटिफिकेशन के जरिए केंद्र सरकार ने, वित्त मंत्रालय ने जीएसटी को ईडी के दायरे में लेकर आए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत वो लेकर आए हैं, पीएमएलए के तहत लेकर आए हैं। इसके पीछे क्या मंशा हो सकती है? ऐसी कौन सी परिस्थितियाँ हो सकती हैं और इससे क्या टैक्सेशन में, टैक्स कलेक्शन में, देश के आर्थिक बेहतरी में क्या कुछ असर दिख रहा है क्या आपको? अनम्यूट करिए, हम आपको सुन नहीं पा रहे। नहीं, हम सुन नहीं पा रहे हैं, अनम्यूट करिए, म्यूट करिए, माफ कीजिएगा, अनम्यूट करिए। प्रीति जी की आवाज़ हम सुन नहीं पा रहे हैं, ऑडिबल नहीं है। मैं संजय गुप्ता के पास फिर जाऊंगा। संजय गुप्ता जी, आपको ध्यान होगा, आप तो बहुत पुराने व्यापारी नेता हैं। मैंने उत्तर प्रदेश उत्तर भारत से निकले पंडित श्याम बिहारी मिश्र जब इस दुनिया में नहीं है, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के अध्यक्ष हुआ करते थे, मैंने उनको देखा है लड़ाई लड़ते हुए सरकारों के खिलाफ। बहुत सारे नेता, बनवारी लाल कंचल साहब, आप भी, संदीप बंसल और तमाम दक्षिण भारत के लोगों को भी मैं, उत्तर और दक्षिण का संगम भी मैंने दिल्ली में देखा है व्यापारियों का, जब किसी मुद्दे पर कानूनों व्यापारियों के, चाहे 3/7 हो, चाहे इंस्पेक्टर राज हो, ये इंस्पेक्टर राज भारतीय जनता पार्टी और ख़ासतौर पर जो उसके सांसद विधायक व्यापारी नेता थे, आपको ध्यान होगा उनकी जबान पलटा हुआ था कि इंस्पेक्टर राज नहीं, इंस्पेक्टर राज दूर करेंगे, हम आएंगे इंस्पेक्टर राज दूर करेंगे, सिंगल विंडो लाएंगे, इंस्पेक्टर राज दूर करेंगे। इसमें कम से कम 20 साल तक हम ये सुनते रहे बतौर पत्रकार रिपोर्टर के रूप में, 20 साल इंस्पेक्टर राज दूर करेंगे और सिंगल विंडो लाएंगे, और यहाँ विंडो भी बहुत सारी हो रही हैं और इंस्पेक्टर क्या बिल्कुल कप्तान वाला राज आ गया है, ईडी वाला राज आ रहा है। संजय गुप्ता, ये जो नोटिफिकेशन है ये जीएसटी की मूल अवधारणा के विरुद्ध है। जीएसटी की जो मूल अवधारणा, जो उसका कॉन्सेप्ट है, उसमें ये बात है कि फिजिकल बहुत ज्यादा अधिकारियों से और व्यापारियों से मेल मिलाप नहीं होगा, सब कुछ कंप्यूटर के माध्यम से होगा।
जब सरकार के पास सारा डाटा है, जीएसटीएन के पास सारा डाटा है, हम जो भी खरीद करते हैं, जो भी बिक्री करते हैं, आपके पास सारा डाटा है, तो ऐसी स्थिति में व्यापारी के पास कोई रास्ता ही नहीं है। जो बोगस कंपनियों की बात के लिए, जिसके लिए मुझको लगता है एक मैकेनिज्म बना रहे हैं, वो बोगस कंपनियों को पकड़ने का काम सरकार का है, उसको ईडी जैसी एजेंसी की आवश्यकता नहीं है उसके लिए। उसके पास, इनके पास अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसके माध्यम से ये पकड़ सकते हैं ऐसी कंपनियों से जो इनपुट टैक्स क्रेडिट का खेल खेल रही है, उनको आसानी से पकड़ सकते हैं। क्योंकि हम लोग जब कोई माल खरीदते या बेचते हैं तो जीएसटी में जो पंजीकृत व्यापारी होता है उसको हम देखते हैं कि ये जो व्यापारी है ये इसका यूज में आ रहा नहीं आ रहा, इसका बिजनेस ज्यादा चल रहा है कि नहीं चल रहा है। जब बिजनेस ज्यादा चल रहा होता है तभी हम लोग उससे माल खरीदते हैं। अब इन्होंने क्या किया, 25% से अधिक जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेगा और जो भी आईटीसी लेगा उसको नोटिस देगा कि उससे स्पष्टीकरण मांग सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में कोई भी आपके पास भूल हो जाए, कई बार होता है कि आपकी मिलान बाद में होती है, तो अगर उस समय आप प्रपत्र नहीं दे पाए और बाद में आपने दिया भी तो उसके पहले आपका काम हो चुका है। और जो अपने देश की एजेंसियों का जो अधिकारियों का हाल है वो आप सब बेहतर जान सकते हैं। और साथ ही साथ इसमें जो रास्ता खुलेगा वो रास्ता इस बात का खुलेगा कि अधिकारी उसकी धमकी देंगे, उसका प्रयोग होगा कि नहीं होगा वो एक अलग बात है, लेकिन वो धमकी देने के मतलब उगाही पड़ेगी। और अभी भी रेट दुगुना तो हो ही गया है, आप स्वीकार करें चाहे स्वीकार करें ऑन स्क्रीन, लेकिन आप लोग सब जानते हैं कि रेट काफी बढ़ गया। तकी साहब मैं आऊंगा, एक ब्रेक का इशारा मुझे हो रहा है, मैं एक ब्रेक पर जा रहा हूं और ब्रेक से लौटूंगा तो भाई पूछूंगा कि इंस्पेक्टर राज का हटवाने का जो नारा लगाते थे, सिंगल विंडो का नारा लगाते थे, वही अब व्यापारियों की गर्दन ईडी के हाथ सौंप दे रहे हैं खुशी खुशी। दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में विभिन्न राज्यों के वित्त मंत्रियों की बैठक हुई, जीएसटी काउंसिल की ये बैठक थी। और इसमें जो विपक्षी सरकारें हैं उन्होंने घोर आपत्ति जताई उस कानून पर, उस अध्यादेश पर जो 7 जुलाई को केंद्र सरकार लेकर आई है, उसके तहत अब देश के 1,38,00,000 जीएसटी में रजिस्टर्ड व्यापारियों की गर्दन ईडी के हाथ में 24 घंटे रहेगी। जब ईडी चाहे उन्हें गिरफ्तार कर सकता है, उनसे पूछताछ कर सकता है। इसको लेकर व्यापारी संगठनों में भी गुस्सा देखने को मिल रहा है, लेकिन अभी जुबान पर है, मन में है, अभी उस तरीके का कहीं प्रत्यक्ष रूप से विरोध नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन विपक्षी दलों ने, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी ने इसका पुरजोर विरोध किया है। मंथन आज इसी पर कि क्या काला ये जो कानून है, जो ये अध्यादेश है, क्या ये व्यापारियों के लिए काला कानून है, या इससे देश की अर्थव्यवस्था सुधरेगी, या अर्थव्यवस्था को नुकसान होगा, या किसी खास वर्ग को ये फ़ायदा पहुंचाने वाला मसला है। हमारे साथ एक्सपर्ट जुड़ी हुई हैं, प्रीति जी, मैं उनके पास चलूँगा। प्रीति जी बहुत स्वागत। चूँकि आपकी आवाज़ नहीं आ रही थी इसलिए हम सवाल आपसे ले नहीं पा रहे थे। मेरा सवाल यही है कि क्या व्यापारियों की गर्दन ईडी के हाथों देने के बाद क्या इस देश की आर्थिक व्यवस्था में और क्या 4 चांद लग जाएंगे क्या? प्रीति जी, मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ, दर्शक सुन रहे हैं, कृपया बोलिए। हाँ धन्यवाद, मैं काफी देर से इस डिबेट को सुन रही हूँ और मैं बोल नहीं पाई, उसके लिए सॉरी, नेटवर्क इश्यू था। जो गवर्नमेंट इसको पीएमएलए एक्ट के तहत लेकर आई है कि ईडी का भी हस्तक्षेप अब रहेगा जीएसटी नेटवर्क में, तो इसमें मुझे लगता है एक ये देखिए, जब हम टैक्स रेवेन्यू की बात करते हैं तो उसमें दो चीजें, इसी टैक्स रेवेन्यू से ही देश का विकास भी होता है, इसी पैसे को सरकार खर्च करके बहुत सारे कार्य भी करती है। तो जाहिर सी बात है कि टैक्स इवेजन, जिसको हम कहते हैं कि हर लोग समय से जमा करें जिससे कि गवर्नमेंट को फंड मिले और विकास का कार्य हो, लेकिन साथ में एक जो ये भी है, ये भी होना चाहिए कि मुझे लगता है इसमें काउंसिल भी बैठानी चाहिए और जो इसके कानून है कुछ अच्छे से इस तरीके से बनाए जाए कि लोग जो व्यापारी हैं उनको दिक्कत ना हो, छोटे व्यापारियों का शोषण ना हो। तो सरकार को दोनों पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए,
कर चोरी भी ना हो और साथ में लेकिन छोटे व्यापारी जो ईमानदारी से जमा कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उनका भी शोषण ना हो। इसमें सरकार को एक बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रखना चाहिए। प्रीति जी, संजय गुप्ता कह रहे हैं ये जीएसटी के मूल भावना के विपरीत है। जीएसटी में था कि मिनिमम जो फिजिकल कांटेक्ट है अधिकारियों का, क्योंकि ऑलरेडी मैं कम से कम 3 दशक की पत्रकारिता में इस बात को देख रहा हूं कि शुरू से व्यापारी कह रहे हैं भाई इंस्पेक्टर राज से वो परेशान थे, वो मल्टी विंडो सिस्टम से परेशान थे, उत्तर प्रदेश में इसीलिए या पूरे देश में इसीलिए उद्योग धंधे पनप नहीं पा रहे थे। अब जब जीएसटी लाया गया तो ये हुआ कि चलो भाई ठीक है, कम से कम 100-200 संशोधनों के बाद जीएसटी को लोग समझ पाए। अब पता चला कि ईडी नाम का एक और खतरनाक, उसे आजकल बहुत खतरनाक ही लोग मान रहे हैं, वो कह रहे हैं, विपक्षी दल कह रहे हैं कि भाई ये तो जिस तरीके से नेताओं के खिलाफ इसका दुरुपयोग हो रहा है, इसी तरह व्यापारियों के खिलाफ दुरुपयोग होगा। और यहाँ तक कहा जा रहा है कि भाई ये चुनाव नज़दीक आ रहा है तो अब ये उन व्यापारियों को भी एक आगाह कर दिया गया कि देखो अगर ऐसे तुम नहीं मानोगे तो ऐसे तुम्हारी गर्दन पकड़ी जाएगी, विपक्ष को चंदा वंदा मत देना। ये विपक्ष इस तरह की बातें कर रहा है। देखिए, कानून जरूरी होता है राष्ट्र को चलाने के लिए अच्छे से, और जिसमें न्याय हो सके लोगों का, इसलिए कानून बनाया जाता है। तो कानून का दुरुपयोग भी ना हो, इसको अभी सरकार को ध्यान रखना चाहिए। और जो कह रहे हैं कि उसकी मूल भावना के विपरीत है, तो ऐसा मुझे नहीं लगता है एक अर्थशास्त्री होने के नाते, क्योंकि बहुत सारे लोग टैक्स इवेजन भी कर रहे हैं, ब्लैक बिलिंग भी कर रहे हैं, जिससे राष्ट्र को कर का नुकसान भी हो रहा है। नहीं, प्रीति जी नट सेल में सोचा जा सकता है, राष्ट्र चूंकि हमें एक 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 अलग तरीके का राष्ट्र दिखाया जा रहा है। ऐसा नहीं कि जिस राष्ट्र में आप रह रहे हैं हम रह रहे हैं वो राष्ट्र नहीं है, या व्यापारी जिस राष्ट्र में रह रहे हैं वो राष्ट्र नहीं। हमें कहा जा रहा है राष्ट्र राष्ट्र राष्ट्र, हमारे इर्द गिर्द इतना ज्यादा ऑरा बना दिया गया राष्ट्र का कि व्यापारी बेचारा समझ रहा है कि हम कितने खतावार हैं, क्यों हम ये व्यापार कर रहे हैं। संजय गुप्ता, प्रीति जी कह रहे हैं कि भाई ये राष्ट्र सर्वोपरि है, ये कोई मूल भावना के विपरीत नहीं है। व्यापारी से बड़ा कोई राष्ट्रवादी नहीं। अभी आपने देखा जब कोविड आया, देश में संकट पड़ा, तो सबसे ज्यादा जो लोगों ने काम किया वो व्यापारी समाज के लोगों ने काम किया। हालांकि अन्य सभी संस्थाओं ने और देश की जनता ने आगे बढ़कर सबकी सेवा की, लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा आगे बढ़कर काम करने था वो व्यापारी था। जितने भी पौशालय, धर्मशाले, गिरजाघर, मंदिर, मस्जिद बनते हैं, ये सब मैक्सिमम व्यापारियों के द्वारा ही बनाए जाते हैं। तो ये कहना व्यापारी निश्चित रूप से राष्ट्र नहीं है, ये अवधारणा जो राष्ट्र की, संजय गुप्ता माफ कीजिएगा, ये राष्ट्र नहीं है। प्रीति जी को मैं इसमें कोट नहीं कर रहा हूं, मैं जो अवधारणा सुनता हूं राष्ट्र की, वो राष्ट्र नहीं है। बड़े बड़े पुल बनाना राष्ट्र है, आपसे जो पैसा इकट्ठा करके पुलों में लग जाए, पुल नहीं बन पाएंगे, विकास नहीं हो पाएगा, गरीबों के पेट में अन्न नहीं जा पाएगा, बड़ी बड़ी तस्वीरें नहीं छप पाएंगी, ये राष्ट्र है। संजय गुप्ता, समझने की कोशिश करिए। संजय गुप्ता, मुझे लगता है नेटवर्क संजय गुप्ता का चला गया। मोहम्मद तकी के पास जाऊंगा। तकी साहब, आप कुछ फरमा रहे थे। वास्तव में ये बात प्रीति जी एक अर्थशास्त्री होने के नाते बहुत बैलेंस बात कह रही, वो ठीक बात कह रही हैं। हाँ, संजय गुप्ता बोलिए पहले, मैं फिर तकी के पास जाऊंगा। संजय गुप्ता, सुन पा रहे हैं क्या मुझे? नेटवर्क इशू है। मोहम्मद तकी के पास मैं जाऊंगा। तकी साहब, प्रीति जी जो आर्थिक विश्लेषक हैं वो इस बात को कह रही हैं कि भाई राष्ट्र, यही जो पैसा इकट्ठा होता है यही राष्ट्र के निर्माण में लगता है, राष्ट्र तेजी से बढ़ेगा नहीं तो कैसे काम चलेगा, और अगर टैक्स इवेजन होगा, कर चोरी होगी तो कैसे काम चलेगा भाई। तो कर चोरों को पकड़ने के लिए ईडी और अब तैयार, व्यापारी तैयार है, सीबीआई भी आएगी इसमें, कहीं ना कहीं सीबीआई को भी लगाया जाएगा, और कोई हो सकता है एनआईए आ जाए। सैयद तकी, देखिए जिस ये इंस्पेक्टर राज को और बढ़ावा देगा, और इससे जो पहले से वहां महंगाई चल रही है देश के अंदर, वो महंगाई और महंगी होगी, क्योंकि इसको बोझ तो जनता के ऊपर पड़ेगा। जो भी चीजें बढ़ेंगी, प्रावधान बढ़ेंगे, उसका बोझ अल्टीमेट जनता के ऊपर आएगा, और व्यापारी बेचारा किस को झेले, ईडी को झेले, सीबीआई को झेले, इनकम टैक्स को झेले, जीएसटी को झेले, पुलिस को झेले। अरे बहुत से थाने भी जो व्यापारी चलाता है, व्यापारी पैसा बेचता है, थाने चलते हैं, ये भी हमने देखा कई बार। तो अब एक व्यापारी जो है अपना घर चलाए, अपने बच्चों के स्कूल की फीस दे, फैक्ट्री चलाए, थाना पुलिस को पैसा दे, जो धार्मिक संस्थान उनको पैसा दे, वो क्या क्या करे, उसके ऊपर कितना बोझ ला देंगे। उसको संपत्ति होनी चाहिए, और व्यापारियों को कहीं से राहत नहीं मिल रही है, कहां राहत मिल रही है व्यापारी को, हमेशा व्यापारी को परेशान किया जा रहा है। दूसरी बात,
जो आपकी सलाह कह रही थी, जो इकोनॉमिक विशेषज्ञ है, इनसे पूछिए, राष्ट्र कहते हैं इसको, राष्ट्र लोगों से बनता है, जो लोग हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वो राष्ट्र की धारणा है। नहीं नहीं, वो सिंपल विश्लेषक है, वो किसी विचारधारा को कैटर नहीं करती, मैं पूरे दावे के साथ में कह रहा हूँ। उनको आप पॉलिटिकल व्यक्ति की तरह मत ट्रीट करिए, वो एक्सपर्ट है, वो एक्सपर्ट अपने पैमाने, उनके पैरामीटर्स होते हैं, उसी भी बात करेंगे। प्रीति जी से पूछे जाता हूँ, मैं भी पहले भी इकोनॉमिक्स में बीए किया हुआ है, कि राष्ट्र की धारणा क्या है, राष्ट्र किससे बनता है, राष्ट्र लोगों से बनता है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, और जब हम लोग ही को परेशान किया जा रहा है और लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है और कोई फायदा बेनिफिट नहीं दे रहा, मतलब कहीं से किसी व्यापारी को किसी जगह पे कोई स्पेशल छूट दी गई है या स्पेशल प्रोविजन किया गया, चलो ये व्यापारी टैक्स देता है, इनकम टैक्स देता है बेचारा, और ये जीएसटी भी दे रहा है, और सब बड़ी बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है सैयद तकी साहब, मुझे फैमिली को का फ्री इलाज करा दिया जाए, जितना जीएसटी करता है जितना देता है उसके अगले चलो फैमिली का फ्री इलाज करते हैं इसका, उससे राष्ट्र मजबूत होगा ना, चलो बच्चों के तुमने पढ़ाई करा दे सरकारी। मुझे अच्छी तरह ध्यान है कि पहले कहीं जब बीजेपी की सरकारें राज्य में हुआ करती थी तो कहीं भामाशाह पुरस्कार, कहीं बीमा योजना, अब कोई नाम ही नहीं ले रहा व्यापारियों का। मैं तो देख रहा हूं, 6 साल उत्तर प्रदेश की सरकार चल चुकी है और 9 साल केंद्र की सरकार चल चुकी, व्यापारी का कोई नाम नहीं ले रहा, क्योंकि व्यापारी की कोई जाति नहीं होती, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई अगड़ा पिछड़ा सब व्यापारी है, और ये एक ऐसा वर्ग है कि ये एक तरीके से हमारी अर्थव्यवस्था को संभाल कर चलता है, और जो छोटा और खुदरा व्यापारी है वो एक तरीके से गांव कस्बे के लोगों को जियाए रहता है, परचून वाला 2-2, 3-3 महीने का तनख्वाह नहीं मिलती तो उधार दिया करता है, वो ऐसा व्यापारी बहुत सारे परिवारों को चलाया करता है, घी तेल दिया करता है, तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। लेकिन ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मुझे भी विस्मृत हो गया था, बहुत दिन से मुझे भी याद नहीं आ रहा था, और टीवी चैनलों और अखबारों को तो व्यापारी भूल गया, बिल्कुल ही उनको याद नहीं है, लेकिन मैं देख रहा था कि व्यापारी का की बात ही कोई नहीं कर रहा था, कि साहब मैं आऊंगा आपके पास, व्यापारी कोई बात नहीं कर रहा, संजय गुप्ता व्यापारी की कोई बात ही नहीं कर रहा, व्यापारी के लिए कोई कल्याण, सारे वर्ग हैं, ओबीसी की चिंता है, अगड़ों की चिंता है, पिछड़ों की चिंता है, सबकी चिंता है, लेकिन व्यापारी की चिंता नहीं है, व्यापारी के लिए हमने नहीं देखा कि भाई कोई मंच सजा हो और बड़े बड़े वो चेके वके व्यापारियों को दी जा रही हो, या व्यापारियों के लिए किसी सुविधा की बात की जा रही हो। लेते हैं वोट भी लेते हैं, नोट भी लेते हैं, मंच भी हम देते हैं, माला भी हम देते हैं, लेकिन उसके बावजूद हम कहीं ना कहीं दरकिनार रहते हैं, जो सम्मान, जो स्थान, जो तवज्जो व्यापारियों को मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है, कौन है? ये एक बड़ी दुख की बात है। और आप देखिएगा, डॉक्टर अपने बच्चों को डॉक्टर, इंजीनियर अपने बच्चों को इंजीनियर बनाना चाहता है, लेकिन व्यापारी अपने बच्चों को व्यापारी नहीं बनाना चाहता, धीमे धीमे स्थितियां बड़ी विचित्र सी हो रही हैं। और व्यापारी देश में रोजगार देने का सबसे बड़ा माध्यम, यदि एक कोई दुकान है, छोटी सी भी दुकान होगी तो उसके बाद 2 एम्प्लॉई और 1 एम्प्लॉई तो मिनिमम होगा ही होगा, अगर चाय का भी होटल होगा तो उसके बाद भी 1 आदमी होगा, तो रोजगार देने का सबसे बड़ा साधन भी व्यापारी है। अगर देश के 6 करोड़ व्यापारी है तो कम से कम 15 करोड़ लोगों को व्यापार रोजगार भी दे रहे हैं, ऐसे 25-30 करोड़ लोगों को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन ये दुर्भाग्य की बात है कि हमारी ज्यादा कोई चिंता नहीं कर रहा, बल्कि हमको उलझा रहा है। देखिए, अगर जीएसटी हम दे रहे हैं तो हम सरकार से कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं, हम अपनी मेहनत कर रहे हैं, अपनी पूंजी लगा रहे हैं, अपना श्रम लगा रहे हैं और अपने खर्चे पर जीएसटी लेकर के सरकार के खजाने में जमा कर रहे हैं। यदि इस बीच में पैसा कहीं गुम हो जाए, पैसा चोरी हो जाए, हमारा कर्मचारी ले जाए या लुट जाए, और सरकार को अगर इस काम के लिए जो आप काम मुफ्त में कर रहे हैं उसके लिए आदमी लगाना पड़े तो बहुत सारी तनख्वाह देनी पड़ेगी, बहुत सारा मानदेय देना पड़ेगा। संजय गुप्ता, देश का व्यापारी तो सरकार की सेवा कर रहा है, हम बिना कोई कलेक्शन चार्ज लिए हुए, अगर डीएम भी जो है को रिकवरी करता है कुल कमीन के माध्यम से तो कलेक्शन चार्जेस लेता है, और हम तो बिना 10% लेता है, आरसी कटने 10% जमा करना पड़ता है, जमा करना पड़े तो हम तो बिना किसी उसके, बल्कि हम उसके खाता भी लिखे, हम मुनीम को भी रखे, हम चार्टर्ड अकाउंटेंट को भी रखे, हम कंप्यूटर भी रखे, हम साथ ही साथ जो है नए, जब आप रोज नए नए संशोधन लाइए जीएसटी में 1100 से अधिक संशोधन हो चुके हैं, जब आप रोज संशोधन करते हैं तो हम रोज ले अभी अभी हम तो 100-200 ही कह रहे थे, आपने बता दिया 1100, ये तो अकल्पनीय है संजय गुप्ता, अकल्पनीय है, मैं तो 100-200 ही संशोधन कह रहा था, मुझे मैं डरते कह रहा था कि शायद ज्यादा कह गया क्या, मैं व्यापारियों को मालूम, चार्टर्ड अकाउंटेंट को मालूम है। गजब, 2 मिनट बस, एक इंटरव्यू चलता है, गजब है। मैं प्रीति जी के पास आऊंगा, प्रीति जी एक छोटा सा कमेंट चाहता हूं मैं, कि वास्तव में ये व्यापारी देखिए कितना पीड़ित हैं, मैं ये नहीं कह रहा ठीक है भाई आप सड़कें बनाओ,
आप राष्ट्रवाद पे राष्ट्र को चलाओ, अच्छी बात है, राष्ट्र को आप भी प्रेम करती हैं, हम भी प्रेम करते हैं, व्यापारी बहुत बड़े राष्ट्र प्रेमी हैं, लेकिन हम देखते हैं कैसे रंग बदलते हैं, ये हमने देखा है 30 सालों के अंदर, हमने भी देखा, संजय गुप्ता ने देखा, आपने भी देखा होगा कि झंडा लेके वही लोग जो आज सरकार में हैं वो कहा करते थे कि भैया FDI को खुदरा में नहीं घुसने देंगे, इंस्पेक्टर राज दूर करेंगे, सिंगल विंडो लाएंगे, और वही लोग आज इंस्पेक्टर राज तो छोड़िए ED राज लेकर आ गए व्यापारियों में। प्रीति जी, संजय गुप्ता जी की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ, व्यापारियों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है किसी भी राष्ट्र के विकास में, निर्माण में, क्योंकि यही सबका होता है जो वो सारे अपना पैसा लगा करके, जिसको हम कहते हैं फंड लगा करके कार्य करता है, लोगों को बहुत सारा रोजगार देता है, प्रोडक्शन करता है, जिसको हम GDP में काउंट करते हैं। तो ये तो एक सच है, ध्रुव सत्य है कि व्यापारी का जितना बड़ा योगदान किसी भी राष्ट्र के विकास में होता है उतना किसी और तबके का हो भी नहीं सकता है, क्योंकि एक सैलरी पेड इंसान की जो इनकम होती है वो सीमित होती है, तो वो सब चीजों में नहीं लगा सकते। और जो गवर्नमेंट के कानून की जो बात हो रही है कि ED को इसमें लाया गया है, इसमें मैं यही कहूंगी कि गवर्नमेंट अगर कानून लेकर आ रही है तो उसको बहुत ही सूक्ष्म स्तर पर गवर्नमेंट को और भी कार्य करना चाहिए कि किसी भी व्यापारी का, छोटे व्यापारी का, या जो ईमानदारी से काम कर रहे हैं उनका शोषण ना हो, इतनी सूक्ष्मता से कार्य करें, इतनी पारदर्शिता कानून में रखें कि ये जो कार्य कर रहे हैं राष्ट्र के लिए ये उसको उतने ही मन से आगे भी करते रहें। ठीक बात है। अरुणेश यादव, डॉक्टर अरुणेश यादव कांग्रेस के प्रवक्ता दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हैं। डॉक्टर यादव, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो ये अब एक तरीके से व्यापारियों के लिए बड़ी मुश्किल है, उनकी गर्दन भी अब ED के हाथ है। अभी तक आप ही लोग चिल्ला रहे थे कि विपक्ष को ख़त्म करना चाहती है सरकार, नेताओं को ED से डरा रही है, अब ये व्यापारी भी सिकंजे में आ गए। अरुणेश यादव जी, जी सबसे पहले तो साहब मैं माफ़ी चाहता हूँ, दिल्ली में ट्रैफिक की वजह से मैं थोड़ा विलम्ब से जुड़ पाया। बोलिए बोलिए कृपया, मैं समझ सकता हूँ दिल्ली की स्थितियाँ। बीजेपी सरकार की जो सबसे बड़ी समस्या है वो ये है कि ये किसी भी वर्ग को नहीं छोड़ना चाहते हैं। अब व्यापारी वर्ग के साथ ये शुरू से ही भेदभाव कर रहे हैं। आप देख लीजिए कि जब नोटबंदी हुई उसके बाद सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुआ है किसी को तो वो छोटा छोटा व्यापारी था। लगभग 11,000 से ज्यादा छोटे व्यापारियों की कमर नोटबंदी के टाइम पे टूटी। उसके बाद जब GST लगा उसमें लाखों व्यापारियों को उसके बाद प्रभाव पड़ा। फिर आपको ध्यान होगा कि कोविड का जब समय आया तो कोविड के समय व्यापारी, जो छोटा व्यापारी था, वो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ, क्योंकि सरकार की तरफ से उसको GST भरने में कोई छूट नहीं दी गई। सिर्फ कहने वाली बातें रही कि साहब बैंकों से ब्याज माफ कर दिया जाएगा, लेकिन क्या धरातल में बैंकों ने उन छोटे छोटे व्यापारियों का ब्याज माफ किया? मेरी जानकारी में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो कोल्ड स्टोर चलाते हैं, छोटा छोटा व्यापार करते हैं, उनके सबके धंधे चौपट हो गए, वो सब बैंक करप्ट हो गए, लेकिन सरकार उनकी सुध नहीं ले रही है। सरकार क्या कर रही है, उनको फिर डंडे मारने का काम कर रही है। तो ऐसी सरकार हमने पहली बार ऐसी सरकार देखी है साहब, जो सिर्फ एक काम करती है, सिर्फ और सिर्फ कानून बनाना जानती है, लेकिन अगर उससे देश की जनता, देश का कोई भी वर्ग हो, अगर वो प्रभावित हो रहा है तो उसको राहत देने का कोई काम नहीं है साहब। वो फिर जो है अपनी, जो कहते हैं ना, एक आंखें बंद कर लेना, अपनी आंखें बंद कर लेते हैं फिर ये लोग, और व्यापारी वर्ग ही देश को चला रहा है, ये तो सर्वविदित है। ये तो सुकरात ने भी कहा था कि देश की दशा को, देश की दिशा को जो है वो देश का व्यापारी वर्ग ही तय करता है, और इस समय सबसे ज्यादा अगर कोई परेशान है तो जो हमारे देश का जो छोटा छोटा व्यापारी है, जो 10 लोगों को 20 लोगों को 50 लोगों को रोजगार देता है, बेचारा वो सबसे ज्यादा परेशान है। किसानों के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा परेशान है तो हमारे देश का व्यापारी भाई परेशान है। और दुर्भाग्य की बात है कि सरकार इस पे जो है कोई भी सकारात्मक रवैया सरकार का नहीं। अच्छा अरुणेश यादव जी, भाई अगर कोई सरकार अगर चाहती है कि भाई कोई चोरी ना करे, लूट ना करे, अगर सरकारी खजाने में डाका ना डाले, अच्छा उसमें ईडी का मान लीजिए, फर्ज कीजिए, मैं इसको इस नजरिए से सोचता हूँ कि ईडी का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो दिक्कत क्या है? देखो साहब, आप मुझसे ज्यादा आपको जानकारी है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका 10 लाख करोड़ रुपया बट्टे खाते में डाल दिया गया,
ये चीज किसी से छुपी नहीं है। अंबानी जी जैसे, अडानी जी जैसे लोगों को इनकम टैक्स में रिबेट दी जा रही है, उनकी जीएसटी में छूट दी जा रही है, और जो छोटा व्यापारी है उसके ऊपर जो है आप इस तरीके का जो की प्रताड़ना लगा रहे हैं। जो छोटा व्यापारी है वो अगर जीएसटी टाइम से नहीं भर पा रहा है तो उसके ऊपर अब ईडी के भी छापे पड़ेंगे। अरे साहब, अंबानी जी, अडानी जी और जो तमाम पूंजीपति मित्र हैं जो देश का करोड़ लाखों करोड़ रुपया लेके भाग गए। अच्छा, कांग्रेस ने 3-4 नाम गिन लिए, अब पूरा बिल्कुल देश 3-4 नामों के इर्द गिर्द आप लोग चलाएंगे, मतलब नहीं तो वही लोग अरुणेश यादव भी। अरे भाई, जब जो टैक्स चोरी कर रहे पकड़े जाएंगे, प्रधानमंत्री करें किसी भ्रष्टाचारी को नहीं छोड़ूंगा, हालांकि वो आप लोगों को कह रहे थे, विपक्ष को कह रहे थे, लेकिन व्यापारियों की गर्दन भी फंस गई है। पाउडर लगा के उनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं सारे भ्रष्टाचारी, जो बीजेपी से शरण, बीजेपी की शरण में आ जाते हैं वो भ्रष्टाचार मुक्त हो जाते हैं। मुझे स्क्रीन पर खेमचंद शर्मा जी दिख रहे हैं, दिल्ली बीजेपी के प्रवक्ता है, मैं शर्मा जी के पास चलता हूँ। शर्मा जी, व्यापारियों पर मेहरबानी इतनी क्यों कर दी आपकी सरकार ने? देखिए, ये सब मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं, और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप क्लेरिफिकेशन दें। ये GSTN है। अरे आपको बुलाया ना क्लेरिफिकेशन देने के लिए, मैं वकील थोड़ी हूँ महाराज, आप बोलिए। नहीं, आप वकील नहीं है, आप एक सम्मानित एंकर है। मेरे कहने का मतलब, आप बोलिए, आप रखिए अपना पक्ष। रख रहा हूँ जी, धन्यवाद। GSTN एक डेटा कलेक्शन मैकेनिज्म है, एक साइंटिफिक मैकेनिज्म है, जो बड़ी जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं या सस्पेक्टेड ट्रांजेक्शन्स होती हैं उसके डेटा की माइनिंग एंड रिपोर्टिंग का काम करती है। उसको ईडी के अंतर्गत लिया गया है ताकि वो ईडी को फीड कर सके। तो छोटे मध्यम व्यापारी इससे तो वैसे ही एक्सक्लूड हो जाते हैं। छोटे और मध्यम व्यापारी कहाँ पे बड़ी ट्रांजेक्शन करेंगे? जब बड़ी ट्रांजेक्शन होगी नहीं तो दूर दूर तक उनका कोई लेना देना नहीं है, और यहाँ भी किसी भी व्यापारी को प्रताड़ित नहीं किया जाएगा। तो बड़ी हाई ट्रांजेक्शन होती अनुपोर्टेड ट्रांजेक्शन होती हैं, अब वो साइंटिफिक मेथड अप्लाई किया हुआ है तो उसका जो डेटा फीडिंग है वो वहाँ पे जाए। इवन इनकम टैक्स की फाइल रिटर्न करते हो, आप सभी करते होंगे, तो वहाँ पे भी आप जाओगे और अपने इनकम टैक्स के वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे भी हाई ट्रांजेक्शन के लिए एक आपके पास डेटा आता है, और वहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हो कौन सी ट्रांजेक्शन आपकी वैलिड ट्रांजेक्शन है, जो आप रिपोर्ट करना चाहते हो, जो आप इनकम टैक्स में उसको शो करना चाहते हो, और कौन सी है जो आपने मिस कर दी है जो आपको शो करनी चाहिए। सिर्फ और सिर्फ वो ये मैकेनिज्म है, साइंटिफिक मैकेनिज्म है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, जो भ्रष्टाचारियों का गढ़ है, इनको लगता है कि इस तरीके की चोरी करते हैं, वो हंगामा कर रहे हैं, वो मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहे हैं। इसके अलावा इससे व्यापारी तो आपकी पार्टी से सर्वाधिक जुड़ा है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में तो व्यापारी संगठन भी मरे कुछ होंगे, सबसे बड़े व्यापारी नेता तो आपकी पार्टी के सांसद विधायक हुए हैं आज भी। व्यापारियों का इससे कोई नुकसान ही नहीं होने वाला। व्यापारियों के नाम का उपयोग किया जा रहा है, दुरुपयोग किया जा रहा है, उपयोग भी नहीं, दुरुपयोग किया जा रहा है। व्यापारियों से इसको कोई नुकसान नहीं होने वाला। मैं आपके टीवी के माध्यम से ये सबको आश्वस्त कर देना चाहता हूँ, ये कांग्रेस आम आदमी पार्टी मिस इन्फॉर्मेशन फैला रही है। GSTN का सिर्फ और सिर्फ एक मैकेनिज्म है, डेटा शेयरिंग जो होगी वो उन ट्रांजेक्शन के बारे में होगी जो हैवी ट्रांजेक्शन होंगी, अनरिपोर्टेड ट्रांजेक्शन होंगी, और अनरिपोर्टेड ट्रांजेक्शन, ठीक है शर्मा जी, ट्रांजेक्शन जरूरी है। तभी तो जो छोटा व्यापारी उसको राहत मिलेगी, जब जो बड़े बड़े स्टोर हैं वो जो इस तरीके की ट्रांजेक्शन करते हैं और उसका टैक्स नहीं देते तो टैक्स कलेक्शन कम होता है, जब वो टैक्स देंगे टैक्स कलेक्शन ज्यादा होगा, तो छोटे व्यापारियों को सरकार राहत दे पाएगी। अच्छा, छोटे व्यापारियों को क्या छूट मिलने वाली है क्या बड़े वालों से लेके? जैसे ऑब्वियसली जब कलेक्शन बढ़ता है तो उससे एक सबसे बड़ी जो इमीडिएट राहत होती है उससे टैक्सेशन बढ़ता नहीं बल्कि कम होता है। तो जब टैक्सेशन बढ़ता नहीं ओवर द ईयर वो भी एक डायरेक्ट राहत होती है। दूसरा, जब बढ़ेगा इस तरीके की ट्रांजेक्शन रिपोर्टेड होंगी तो उससे छोटे व्यापारी को तो फ्यूचर में फायदा ही होने वाला है। तो ये लोग जो डरे हुए हैं शर्मा जी, ये समझा दीजिए फायदा कैसे होगा, जरा थोड़ा सा समझा दीजिए, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। फिर मैं संजय गुप्ता के पास जाऊँगा जो व्यापारी नेता हैं, खुद बैठे हुए हैं। मेरा कहने का मतलब, 4 लोग हैं उसमें से कांग्रेस के जो मित्र हैं वो बिजनेस करते हैं 100 करोड़ का, दिखाते हैं 10 करोड़। उनकी जो बड़ी बड़ी ट्रांजेक्शन है वो साइंटिफिकली अभी डेटा माइनिंग इन्फॉर्मेशन शेयरिंग होने से वो बच जाते हैं, उस पैसे का वो हवाला कर देते हैं। और मैं एक छोटा व्यापारी हूँ, आप एक छोटे व्यापारी हैं, कल को शर्मा जी आपकी आवाजें चली गई, जो टैक्सेशन है वो बढ़ेगा तो कल के और आप पे सरकार का फोकस कम होगा, मेरे यहाँ पे जो बर्डन है वो कम आएगा। ये मेथड है, जो कलेक्शन कम होती है ज्यादा होते हैं गवर्नमेंट के, तो वो
जी ठीक बात। मैं संजय गुप्ता के पास जाऊँ। संजय गुप्ता जी, भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली के प्रवक्ता खेमचंद शर्मा को आपने सुना, वो कह रहे हैं एक मैकेनिज्म है, व्यापारी को खासतौर पर छोटे व्यापारी को डरने की जरूरत नहीं है। आप व्यापार भी करते हैं, छोटे से लेकर बड़े व्यापारियों की नुमाइंदगी भी करते हैं बहुत जिम्मेदारी के साथ में। केन्यू चूंकि बहुत ही जिम्मेदार चैनल है और हम किसी चीज़ को बहुत जिम्मेदारी से कहते हैं, ये बताइए कि जैसे शर्मा जी कह रहे हैं कि भाई बड़े जब चोर पकड़े जाएंगे तो छोटों पर ध्यान नहीं रहेगा, छोटे व्यापारियों की तरफ ध्यान नहीं रहेगा तो उनको राहत मिलेगी, उन्होंने ये छोटे व्यापारियों को राहत देने का मैकेनिज्म बनाया है, बताया है, इस तरह सरकार ऐसा करती, क्या ऐसा होता है क्या कि छोटे व्यापारी कभी बच जाते हों, उनको टैक्स न देना पड़ता हो या उनका उत्पीड़न ना होता हो या उनकी गर्दन ना फंसती हो? जरा आप बताइए। मैं तो देखता हूँ आप लोग अक्सर जाम लगाया करते हैं और हाईवे पर ट्रक रोके खड़े रहते हैं जीएसटी वाले। जीएसटी लगने के बाद सभी का डाटा, कोई भी सेल है कोई परचेज है, जीएसटी के पास सबका डाटा रहता है। जिसका सेल परचेज है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना ले रहा है इतना भी, ये भी सरकार के पास डाटा रहता है पूरा, उसके कंप्यूटर सब चीज फीड रहती है, पोर्टल पर रहता है। सरकार को जो हमने आपको पहले भी बताया कि पिछले महीने दो महीने पहले कुछ जानकारियां मिली, कुछ कंपनियां देश में बोगस तरीके से काम कर रही हैं जो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने का काम कर रही हैं, उनको पकड़ने के लिए ये मैकेनिज्म बनाया है उन्होंने, जिसमें उन्होंने जीएसटीएन के साथ में इसका जो जितना डाटा है वो ईडी के साथ शेयर करें। यहाँ तक कि देखिए इसमें समस्या है कहाँ पर, समस्या तो यहाँ पर है, मौत हो गई इसका गम नहीं है, मौत ने घर देख लिया इसका गम है। जब जीएसटी लगी थी तो इस बात में बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ, जब जीएसटी लगी थी उस समय कहा गया था कि गुड ये सबसे ज्यादा सरल टैक्स रहेगा, उसके बाद भारत के संघीय ढांचे में उलझ के रह गया और जहां पर जो सिंगल पॉइंट जीएसटी होनी चाहिए थी वो अनेक उसमें हो गई, 5% 18% 28% अलग अलग उसपे हो गई, मल्टी पॉइंट हो गई और फिर एसजीएसटी हो गई, आईजीएसटी हो गई, सब दुनिया की चीजें उसमें हो गई। तो जो जीएसटी का मूल कॉन्सेप्ट था मैंने पहले भी कहा उससे ये चेंज हो गया भारत के संघीय ढांचे की वजह से। अब कुछ व्यक्ति निश्चित रूप से चोरी कर रहे होंगे जिनको मैं व्यापारी नहीं कहता, व्यापारी का मतलब ये होता है कि अपनी पूंजी लगाकर अपना श्रम लगा करके और एक गुणवत्ता वाला सामान बेच करके अपना मुनाफा कमाए। जो व्यक्ति गलत कंपनी बना करके बोगस तरीके से इनपुट टैक्स क्रेडिट ले रहा है निश्चित रूप से अपराधी है। उस अपराधी को पकड़ने के लिए सरकार को दूसरा कोई मैकेनिज्म बनाना चाहिए ना कि। और संजय गुप्ता पहले से मैकेनिज्म है, छापे पड़ते रहे, बड़े बड़े ब्रैकेट बस्ट होते रहे, करोड़ों रुपए के इनको इनपुट टैक्स क्रेडिट हमने पकड़ते हुए देखा है डिपार्टमेंट के पास, पूरा मैकेनिज्म है। अब इसमें होगा क्या कि आज आपने ये लिया, अब इसके बाद आप इसका दायरा और बढ़ाएंगे, उसके बाद और बढ़ाएंगे, आप जो लोग स्पेसिफिक केस आपके पकड़े जाए उसको आप ईडी को दीजिए, सीबीआई को दीजिए, सीआईडी को दीजिए, सबको दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन एक जनरल ये जो सामूहिक आदेश है ये गलत है। उसको लगता है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकार को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और गलत फीडिंग देकर के लोकसभा चुनाव में उनको नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, ये गलत है। आप पकड़िए जो लोग वास्तव में चोरी करें, उनके ऊपर सीबीआई भी लगाइए, उनके ऊपर ईडी भी लगाइए, उनकी कुर्की भी कीजिए, उनको जेल भी भेजिए, उनके ऊपर संजय जी ये जो अपने शर्मा जी हैं, खेमचंद शर्मा जी, ये कह रहे हैं कि छोटे व्यापारियों को डरने क्या जरूरत है, उनकी तरफ तो आंख उठा के देखेंगे नहीं। ये बात भी ठीक है, देखिए 40 लाख तक के टर्नओवर पर जीएसटी है ही नहीं, तो बिल्कुल छोटा व्यापारी जो उसे कोई दिक्कत नहीं, जो व्यापारी ठीक से जीएसटी ले रहा और दे रहा उसे भी कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कि समस्या यहाँ पर समस्या है कि मौत ने घर देख लिया, जो आपने ये रास्ता खोला ये रास्ता गलत खोला है। आपके पास तमाम ऐसे कानून पहले से बने हुए हैं कि जो कोई टैक्स की चोरी करते हो या अन्य कोई चोरी करते हो उनके लिए आपके पास पहले से कानून बने हुए हैं। आप जीएसटीएन के साथ में ईडी के साथ में जो है इसके डाटा साझा करेंगे और उसके साथ ईडी की कार्रवाई करेंगे तो ये एक पूरे देश के व्यापारियों को डराने वाला है, ये नहीं होना चाहिए। आप चोरी को रोकिए, चोरी को रोकने का गुजर पिछली बार ये हुआ कि पूरे प्रदेश में पूरे देश में छापे पड़ने शुरू हो गए, पूरे प्रदेश का व्यापारी घबरा गया, दुकानें बंद होना शुरू हो गई, ये गलत है। आप किसी चोर को पकड़ते हैं, कोई भी भारत का सभ्य नागरिक, सभ्य समाज का कोई भी व्यक्ति किसी भी चोर की पैरोकारी नहीं करेगा, उसको जेल जाने देगा। व्यापारी भी इसी कैटेगरी में आते, हम भी किसी की पैरोकारी नहीं करेंगे, उसको जाने देंगे। लेकिन उसके नाम पे और उत्पीड़न के रास्ते खोलना, जैसे आपने बताया स्पेक्ट्रल लाज की बात थी, स्पेक्ट्रल लाज इसके माध्यम से कितना नुकसान हो रहा होता है अभी भी, चूंकि मैं चैनल पे बहुत सी बातें नहीं कह सकता,
आज भी वैट के पुराने केस करने के नाम पे हम लोग का दोहन होता है, हमारे पास तमाम शिकायतें आती हैं। अगर कोई चाहेगा तो मैं स्पेसिफिक केस दे दूंगा जहां पर उसका शोषण हुआ, कई बार मुझको कहना पड़ा है अधिकारियों को और उसके बाद केस छूटे हैं। तो ये जो जनरल आदेश हो जाता है ये सबको नुकसान पहुंचाने वाला होता है। स्पेसिफिक केस पकड़िए, मुझको लगता है कि अगर पूरे देश में 2 करोड़ व्यापारी पंजीकृत है, 2.5 करोड़ पंजीकृत है, तो उसमें मुश्किल से मुश्किल 100 या 200 या 300 या 500 रुपए की संख्या नहीं होगी। उनको पकड़िए और उनके ऊपर ईडी सब लगाइए, लेकिन उनको पकड़ने के बाद स्पेसिफिक केस में लगाइए। ठीक बात, सामूहिक आदेश मत कीजिए। ठीक बात है, मैं सैयद तकी के पास जाऊंगा। तकी साहब कुछ कहना चाह रहे हैं? तकी साहब, संजय गुप्ता क्या गलत कह रहे हैं? वो ठीक कह रहे हैं, वो कह रहे हैं भैया मौत ठीक है, मर गए वो अच्छा है, लेकिन रास्ता दिखा दिया तो बार बार मारेगी फिर वो। देखिए, मैं पिक्चर आई थी उसमें गाना था लहू मुलक गया, भारतीय जनता पार्टी सरकार भाई उसने जीएसटी और टैक्स के जरिए इतना जनता से पैसा लूटा है कि वो लगातार उसको और बढ़ाना चाहते हैं। जीएसटी कलेक्शन और बढ़ता रहा, अगर आप और देशों से कंपेयर करिए तो भारत के नागरिक चाहे वो बिजनेसमैन हो चाहे आम नागरिक हो सबसे ज्यादा टैक्स दे रहे। जिस वैट को कांग्रेस लेके आ रही है उसमें 16% टैक्स था, जीएसटी लेके कांग्रेस आ रही 16% टैक्स था, उसमें बीजेपी ने बहुत विरोध किया। आज उसी जीएसटी में 28% टैक्स है और अलग अलग तरह टैक्स है। मैं आप एग्जाम्पल दूंगा ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया में टैक्स बहुत कम है, 4% टैक्स सबको वही टैक्स है, उसके बाद भी ऑस्ट्रेलिया ग्रो कर रहा है, उसका भी ग्रो कर रही है। हमारा इतना टैक्स बढ़ाया जा रहा है, लादा जा रहा है, देश की इकोनॉमी ग्रो नहीं कर रही है। आप सुब्रमण्यम स्वामी की स्टेटमेंट देखिए, आप ग्रोथ रेट देखिए, सरकार जो ग्रोथ रेट दिखा रही है वो एक्चुअली 4% है, सरकार कह रही है 7%, और उन्होंने प्रोजेक्शन किया था कि ये 5% की इकोनॉमी बन जाएगी, उसके हिसाब से ठीक है। तक्की साहब, ठीक है, तक्की साहब, अरुणेश यादव एक छोटा सा कमेंट, अनम्यूट करिए। जो हमारे छोटे भाई खेमचंद जी जो ये कह रहे थे कि जीएसटी से जो नया अमेंडमेंट हो रहा है इससे छोटे व्यापारियों को लाभ होगा, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अभी तक जीएसटी 2018 में लागू हुआ, अभी तक 5 साल में एक लेखा जोखा देखा जाए तो कितना लाभ मिला छोटे व्यापारियों को, और जो बड़े बड़े पूंजीपतियों का जो टैक्स में जो छूट दी जा रही है तो उस पे हमारे बीजेपी के साथी क्या कहेंगे कि भाई बड़े पूंजीपति हैं उनको तो आप पूरी छूट दे रहे हो और जो छोटे पूंजीपति। ठीक बात है, मैं 5 सेकंड का रिएक्शन लेता हूँ अरुणेश जी, मैं 5 सेकंड का रिएक्शन लेता हूँ खेमचंद जी के पास। खेमचंद जी एक 5 सेकंड का रिएक्शन दीजिए, फिर कार्यक्रम खत्म करूंगा। देखिए, आपके टीवी के माध्यम से मैं समस्त व्यापारी भाई बंधुओं को यह आश्वासन देना चाहता हूँ, किसी को कोई परेशानी नहीं होगी। ये मैकेनिज्म पहले से ही था, सिर्फ जीएसटीएन को लिंक किया गया इसी के लिए, ताकि जो बड़े चोर हैं, जो बड़ा घोटाला करते हैं, टैक्स चोरी करते हैं, जो बड़ी ट्रांजेक्शन है, मोटी ट्रांजेक्शन है, उनका डेटा ईडी के पास उपलब्ध हो सके। इसके अलावा किसी भी व्यापारी को तंग नहीं किया जाएगा। सरकार हमारी हर एक व्यापारी को ईमानदार मानती है, अंतर ऑनलाइन कोई बड़ा और जो बड़ी जो गैप है वो वहां पे दिखे, तो इससे किसी भी व्यापारी को घबराने की जरूरत नहीं, डरने की जरूरत नहीं है। आपकी अपनी सरकार है, ये सरकार आपके डॉक्टर को समझती है और आपके साथ मिलकर देश की इकोनॉमी को $5 trillion तक ले जाना चाहती है। तो हमें डराना नहीं है, धमकाना नहीं है, परेशान नहीं करना, एम्पावर करना है, एम्पावर करेंगे। हाँ, प्यार से लेना है, दाढ़ी में हाथ लगा के लेना है, मोहब्बत से लेना है, बिल्कुल ठीक बात, अच्छी बात है। प्रीति जी फाइनल कमेंट एक 5 सेकंड में, मैंने समय सीमा 5 सेकंड कर दी है क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं। अरुणेश जी प्लीज, अब नहीं, प्रीति जी फाइनल कमेंट। आवाज आ रही है? हाँ बोलिए कृपया। हाँ, तो जैसे कि हम सभी लोग जानते हैं सरकार का कार्य होता है नीति निर्माण करना, और हमेशा अच्छी से अच्छी नीतियां बनाना, जो पिछली खामियां उसको दूर करके और अच्छी नीति बनाना, राष्ट्र का विकास करना। और तो मेरा ये कहना है कि सरकार को नीति जरूर अच्छी बनाए, लेकिन साथ में लाल फीताशाही, जैसे कि संजय गुप्ता सर कह रहे हैं कि जिससे व्यापारी बहुत परेशान रहते हैं, तो लाल फीताशाही इस पर भी कुछ करना चाहिए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आप सभी का, बहुत शुक्रिया खेमचंद जी, डॉक्टर अरुणेश यादव, सैयद मोहम्मद तकी, संजय गुप्ता जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार तमाम उन दर्शकों का जो के न्यूज़ को देखते हैं, हमारे इस खास कार्यक्रम मंथन को देखते हैं। व्यापारी जाए तो जाए कहाँ, वोट भी देता है, नोट भी देता है, और गले में फंदा उसी के, ऐसा तो नहीं चलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।